नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक। तो कई सारे टॉपिक है, लेकिन मैं वन बाई वन ही डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक डेटा है और उस डेटा पर मैंने एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है। मैंने यहां से एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है और मुझे इस चार्ट को यहां से एक्सपोर्ट करना है, लेकिन पिक्चर्स में मुझे इसको जेपीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। जी हाँ, ताकि मैं इसको किसी की बैकग्राउंड और कुछ ऐसा बना सकूं। तो जो हमारी चार्ट्स है, उस चार्ट्स को मुझे बैकग्राउंड के लिए इसको जेपीजी में एक्सपोर्ट करना है। कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग हमारे इस चैनल पे सबसे पहले बार आया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस चाहिए तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं। किसी तरह की डाउट या क्वेश्चन पूछना है तो मेरे नंबर को आप नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं डेवलपर टैब में, हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं और एक नया मॉड्यूल हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ex एक्सपोर्ट चार्ट। सबसे पहले तो मुझे इस चार्ट का नाम पता होना चाहिए, जो चार्ट आपका है उसका नाम पता होना चाहिए, या इंडेक्स नंबर से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चार्ट टू है, मैं इसका नाम मान लीजिए कर देता हूं मैं exch एक्सपोर्ट चार्ट। नाम चेंज नहीं हुआ, exch एंटरप्रेस करने पे अब इसका नाम हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे सीट वन या एक्टिव सीट या सीट टू है आई थिंक, राइट? नहीं, सीट वन ही है। तो सीट वन डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट। अब नाम ना पता हो, आपको पता है कि एक ही चार्ट है तो आप इसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे इन्वर्टर कोमा में उस चार्ट का नाम जो आपने लिखा है वो नाम दे सकते हैं। देखिए फिलहाल एक ही है तो मैं यहाँ पे वन कर दिया और कर दिया डॉट डॉट। कभी कभी सिलेक्ट काम नहीं करता है तो सिलेक्ट के जगह पे आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। एक्टिवेट आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूं एक्टिव चार्ट डॉट एक्सपोर्ट। अब मुझे चाहिए पाथ कि मैं किस जगह पे करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक ड्राइव है कि मैं इसमें करना चाहता हूँ, या फिर कोई टेम्पलेट ड्राइव भी ले सकता हूँ। नाम को भी मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसको 123.jpg कर सकते हैं। अब इसको दो फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, पीडीएफ में और इसमें जेपीजी में। तो यहाँ पे जेपीजी में करना है तो जेपीजी कीजिए, पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ में कर दीजिए। सॉरी, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गलती से लग गया। हाँ, तो अब मेरा चार्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। बस दो लाइन की कोड हमने लिखी है। अब इस दो लाइन कोड लिखने पे अगर मैं इसको यहां से रन करता हूं, चार्ट मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है। आप यहां देख सकते हैं 123 और ये आपका इमेज रह जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी क्लासेस लेनी है तो आप मुझे iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर दी, दो तीन क्लास डेमो ले ली, या फिर हमारी पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो भी परचेज कर सकते हैं सेम वेबसाइट iptindia.com से, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या स्काइप कर सकते हैं किसी भी तरह के प्रॉब्लम और हेल्प के लिए।